झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का दूसरे किस्त का पैसा मैक्सिमम महिलाओं को अभी तक नहीं मिला है और टाइम आ चुका है तीसरे किस्त का, तो क्या सरकार दोनों किस्तों का पैसा एक साथ देने वाली है? आज किस वीडियो में आप लोगों को एक नए अपडेट के साथ जानकारी देने वाला हूं कि अगर आप सभी महिलाओं को दूसरे किस्त का पैसा नहीं मिला है ना, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए और तीसरे किस्त का पैसा आपको कब तक मिलेगा, ये टू जेड जानकारी इस वीडियो में दिया गया है। इसलिए फटाफट से वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि हमारे हेमंत सरकार की तरफ से झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो ये लॉन्च किया गया था, एक बहुत ही अच्छा कदम माना गया था। लेकिन पहले किस्त का पैसा तो सभी महिलाओं के खाते में आ गया, लेकिन दूसरे किस्त का पैसा में सरकार अटक गई है। दूसरे किस्त का पैसा जो भेजने वाली थी सरकार, अपडेट आया है सरकार के तरफ से, खुद घोषणा किया गया है कि 13 तारीख को करम पर्व के सुअवसर पर यह जो है पैसा हस्तांतरित कर दिया गया है। लेकिन अभी सितंबर पार हो चुका है दोस्तों, अक्टूबर आ चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक मैक्सिमम महिलाओं के खाते में दूसरे किस्त का पैसा पहुंचा ही नहीं है। एक आध महिलाओं के खाते में कभी कभी अपडेट आता है कि 1000 रुपए आया है, लेकिन इतना दिन हो गया है लेकिन अभी तक पूरे महिलाओं का खाते में जो है 1000 का दूसरा किस्त पहुंचा ही नहीं। आखिर सरकार चाहती क्या है, क्या प्रॉब्लम है? आप लोगों को भी पता होगा कि जल्दीबाजी में सरकार योजना तो ले आती है लेकिन उसे फुलफिल कर नहीं पाती है। अभी तक आप खुद देख सकते हैं कि अभी तक सभी महिलाओं के जिनके खाते में पहले पैसा आ चुका है, पहले किस्त का पैसा जब आपको मिल चुका है तो दूसरे किस्त का भी तो मिलना चाहिए। अभी क्या होता है, अभी सरकार का अपडेट आ रहा है कि आपका IFSC कोड गलत है, तो आपका अकाउंट नंबर गलत है, तो कुछ डाटा मिसमैच है। पहले किस्त में तो ये सब मिस्टेक नहीं था, अब ये मिस्टेक कहां से आ गया? तो सरकार आखिर करना क्या चाहती है मुझे तो नहीं पता, आप लोगों को अपना राय देना है तो कमेंट बॉक्स दे दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर तीसरे किस्त का पैसा कब मिलेगा। तो तीसरा किस्त जो मिलने वाला है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का शुरुआत में ही आप लोगों को बताया गया था, हर महीने के 15 तारीख को आपके खाते में पैसा जो है भेज दिया जाएगा। 15 तारीख आने वाला है दोस्तों और आपके खाते में पैसा जल्द ही भेज दिया जाएगा। लेकिन जिनको दूसरा किस्त नहीं मिला है, अभी तक पहला किस्त नहीं मिला है, उनको कैसे मिलेगा? उनको क्या एक साथ मिल जाएगा? तो अगर आपका फॉर्म सही सही फुलफिल हो गया होगा, सक्सेसफुली आपने सबमिट कर दिया होगा, ठीक है, तो जो पेंडिंग है आपका किस्त वो तो मिलेगा ही, और जो भी सरकार की तरफ से भेजने वाली है, सरकार आने वाला है किस्त, उसका भी पैसा आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब 5 किस्त आपको नहीं मिला लेकिन आपने फॉर्म पहले भरा था। अगर फॉर्म आपका सही सही भरा गया था, अगर आपके पास उसका पावती रसीद है, तो जितना भी सारा किस्त सरकार की तरफ से आएगा वो आपको मिल जाएगा। लेकिन कब आएगा, कैसे आएगा, कितना आएगा, ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि आपके सामने है रिजल्ट कि देखिए 13 तारीख को ही करम पर्व के शुभ अवसर पर ऐसा अनाउंसमेंट हुआ था। सरकार के हेमंत सोरेन जी खुद बोले थे कि पैसा जो है वो भेज दिया गया है, लेकिन अभी क्या कितना पैसा भेजा है और कहां है पैसा, ये आपको खुद पता है, ठीक है। मैक्सिमम महिलाओं को नहीं मिला है, कुछ कुछ महिलाओं का अपडेट आ रहा है कि हमें मिला है, लेकिन मैक्सिमम महिलाओं को नहीं मिला है। तो योजना तभी सक्सेसफुल हो माना जाता है, योजना तभी सक्सेसफुल होता है जब उसका लाभ सब लाभुकों तक पहुंच जाए। लेकिन यहाँ तो ऐसा है कुछ नहीं। आप अपने गांव के इलाके में चेक कर लीजिएगा कि आपके इलाके में कितना महिलाओं को पैसा मिला है, आपको आइडिया लग जाएगा। कहीं कहीं आया है, कहीं कहीं एकदम नहीं आया है, ठीक है। तो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहे हैं और कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये वीडियो देख रहे हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में बताइएगा कि पैसा आपको मिला है दूसरे किस्त का या फिर नहीं मिला है। अब आप लोगों को जानकारी दे देता हूं कि आखिर क्या करें जो सरकार को इसके बारे में पता चले कि अभी तक महिलाओं के खाते में पैसा नहीं आया है, सरकार की तरफ से भी कोई अनाउंसमेंट नहीं निकल रहा है। तो इसके लिए ट्विटर पे मैं एक कैंपेन चला रहा हूँ, ठीक है, जहां पे आप लोगों को मैंने बताया है, सरकार से मैंने पूछा है कि जो पैसा 13 तारीख को भेजा गया था, आज इतना तारीख हो गया, अक्टूबर आ गया, पूरा सितंबर पार हो गया है, अभी तक आखिर पैसा महिलाओं के खाते में क्यों नहीं आया, रीजन क्या है, कब तक आएगा, उसका क्या प्लानिंग है, सरकार इस पे क्या कहना चाहती है, ये सब मैंने सरकार से पूछा है। तो आप लोगों को क्या करना है, स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरा ट्वीट यहाँ पे दिख जाएगा, नीचे आएंगे, सबसे पहले तो ट्वीट को इसको आप लोगों को लाइक कर देना है। लाइक कर देने के बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है रिपोस्ट का, तो इसे रिपोस्ट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि सर जैसे जैसे लोग यहाँ पे आगे आएंगे और अपना अपना रिपोस्ट करेंगे, तो सरकार को इसके ऊपर आके जवाब देना होगा कि हाँ ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, इस पे जल्दी से जल्दी ध्यान दो, नहीं तो ये बड़ा हो जाएगा। अभी तो चुनाव है, सरकार को और डरना चाहिए, सरकार को और डरना चाहिए कि अरे अभी तो चुनाव है, सब काम सही सही कर दो। लेकिन सरकार यहाँ पे खुद ही अपना योजना का पैसा नहीं दे पा रही है, दूसरे का छोड़िए, ठीक है। तो सरकार को भी ये पूछना लाजमी है, इसलिए मैंने ट्विटर पे कैंपेन रेज किया, जाइए वहां पे रिपोस्ट कर दीजिएगा, साथ में मुझे आप फॉलो भी कर लीजिएगा, यूट्यूबर पांडे जी वहां पे मेरा यूजर आईडी होगा ट्विटर पे, यानी कि एक्स के अकाउंट में, तो वहां पे भी फॉलो कर लीजिएगा। साथ में नए अपडेट के लिए आप लोगों को यूट्यूबर पांडे जी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। जब भी कोई इस टाइप का अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को सबसे पहले सटीक जानकारी देता हूं, इसलिए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, थैंक यू।